हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे एक ऐसी फेमस मुगलाई रेसिपी जिसके लिए इंडिया ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बहुत ही फेमस है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हैदराबादी दम बिरयानी की, जो एक यूनिक स्टाइल में बनती है। ये डिश 600 साल पुरानी और निजाम्स ऑफ हैदराबाद की ओरिजिनेटेड डिश है। बिरयानी बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको बिरयानी बनाने का प्रोसेस पता चले, वो भी टिप्स के साथ। मैंने बिरयानी बनाने का प्रोसेस को 4 स्टेप्स में बताया है। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू रेसिपीज। फॉर पोस्ट नोटिफिकेशन प्लीज हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए देखते हैं हैदराबादी दम बिरयानी कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमने लिया है 750 ग्राम्स फ्रेश चिकन, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 3 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट। अब हम चिकन में सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। टिप नंबर 1, चिकन को अच्छे से धोने के बाद थोड़े पानी में विनेगर डालकर चिकन को अच्छे से धोएं ताकि चिकन के रॉ स्मेल चली जाए। अब हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे रैप कर 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसे बनाएंगे बिरयानी मसाला, जिसे हम अखनी भी कहते हैं। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमने लिया है मैरिनेटेड चिकन, 1/4 कप फ्राइड ऑनियन, 2 कप्स कर्ड, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ए हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 4-5 मिंट लीव्स, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और अच्छे से गरम होने देंगे। अब हम ऐड करेंगे कर्ड और इसे अच्छे से भूनेंगे। टिप नंबर 2, कर्ड को जब तक भूने तब तक कि इसकी रॉ स्मेल चली न जाए। हमारा कर्ड अच्छे से भून गया है, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। और इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। टिप नंबर 3, अच्छा टेस्ट आने के लिए चिकन को भूनना बहुत जरूरी है। ऐड करेंगे फ्राइड ऑनियन और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे गरम मसाला, कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे। हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे बिरयानी का चावल। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 10 ml white vinegar, 2 teaspoon salt, 1 teaspoon shazira, 1 stick of cinnamon, 4 cloves, 2 green cardamom, 4 piece green chilli, जिसको हमने slightly cut कर लिया है, 1 liter water, 500 grams basmati rice, जिसको हमने अच्छे से धोकर 30 minutes के लिए भिगो लिया है। टिप नंबर 4, ऑथेंटिक बिरयानी के लिए अच्छी क्वालिटी और खुशबूदार बासमती राइस का होना बहुत जरूरी है। अब हम कढ़ाई में वाटर डालेंगे और ऐड करेंगे सॉल्ट, ग्रीन कार्डमम, शाजीरा, क्लोव्स,
सिनेमन स्टिक, ग्रीन चिलीज, कुकिंग ऑयल और विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। टिप नंबर 5, हम विनेगर इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। हमारा वाटर अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब हम ऐड करेंगे बासमती राइस। अब हम राइस को हाफ कुक होने तक पकाएंगे। अब हमारा राइस कुक हो गया है, अब हम राइस को निकाल लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बिरयानी दम देने का प्रोसेस। दम देने के प्रोसेस में राइस और चिकन को लेयर बाय लेयर डालना होता है। दम देने के लिए हमने लिया है 1/4 कप मिल्क, 1/4 कप फ्राइड ऑनियन, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 4-5 मिंट लीव्स, 2 टेबलस्पून प्योर घी, 8-10 सैफ्रॉन स्ट्रैंड्स, 10 ml लेमन जूस। अब हम सैफ्रॉन को दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी बिरयानी को रिच टेस्ट मिले। तो हम ऐड करेंगे एक लेयर राइस का और इसे अच्छे से फैलाएंगे। ऐड करेंगे थोड़े से फ्राइड ऑनियन, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स। अब हम ऐड करेंगे बिरयानी मसाले का एक लेयर। और फिर से डालेंगे राइस का एक लेयर। ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपका राइस और बिरयानी मसाला ख़त्म ना हो जाए। टिप नंबर 6, जायकेदार बिरयानी बनाने के लिए हमारे चिकन का रेशियो चावल से 1.5 टाइम्स होना चाहिए। अब हम सैफ्रॉन मिल्क ऊपर से डालेंगे और ऊपर से ऐड करेंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो बिरयानी में रिच और ऑथेंटिक टेस्ट लाती है। अब हम इसे एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करके दम देंगे। मैंने यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल से दम दिया है, आप चाहो तो कच्चे आटे से भी दम दे सकते हैं। अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 15 मिनट तक दम देंगे। अब हमारी बिरयानी दम हो गई है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे थोड़े से फ्राइड ऑनियन और बॉइल्ड एग। और अब हम इसे रायता और सैलड के साथ सर्व करेंगे। अब हमारी हैदराबादी दम बिरयानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लौट के आऊंगी एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।